आइए एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पहले तो इक्वेशन फॉर्म करना है और उनका सॉल्यूशन किसी भी अलजेब्रिक मेथड से करना है। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब उसके न्यूमेरेटर में से 1 माइनस किया जाता है, और वो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाता है। तो हमें वो फ्रैक्शन निकालना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें वो फ्रैक्शन निकालना है, तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन के अंश और हर को एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट द न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। हमने उसके न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लिया, हेंस फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y। तो हमारा फ्रैक्शन होगा x अपॉन y। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर उसके न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया जाता है तो वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। हमने जो फ्रैक्शन लिया है वो x अपॉन y है, तो x अपॉन y ये हमारा फ्रैक्शन है, और इसके न्यूमरेटर में से अगर 1 माइनस करने पर ये 1/3 हो जाता है। ये क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 3x-1 = y, 3x-3 = y, 3x - y = 3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाता है तो वो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। x अपॉन y ये हमारा फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में 8 जोड़ने पे वो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 4x = y + 8, 4x - y = 8। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, we get 4x - y = 8 - 3x - y = 3 - + - y और माइनस y कैंसिल हो जाएंगे। 4x - 3x = x, 8 - 3 = 5, so x = 5। put this value of x in equation first, we get 3x - y = 3, 3 × 5 - y = 3 - y = 3 - 15, - y = -12, minus minus cancel, y = 12. Therefore, x = numerator = 5, y = denominator = 12, and fraction is x upon y = 5/12.